अरे ऊंची आवाज में बात ही तो की है, मर्दों की आदत होती है, जाने दो। एक थप्पड़ ये तो मारा है, नजरअंदाज करो, तुम औरत हो, तुम्हें सहना आना चाहिए। हल्की सी मारपीट पर घर नहीं छोड़ा करते, ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़कर क्या होगा, रिश्ता बचा रहना चाहिए। हिंसा हो रही है, नजरअंदाज करो, एक थप्पड़ कोई बड़ी बात नहीं होती है, ऊंची आवाज में बात करना तो मर्दों की आदत है। हमारे ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक समाज की ये ट्रेनिंग इतनी मजबूत है कि औरतों को भी लगने लगता है कि हिंसा सहना तो उनकी नियति है, उन्हें हिंसा सहना आना चाहिए। तभी तो दुनिया में हर 3 में से एक महिला जिसकी उम्र 15 साल से अधिक है, उसने अपने जीवन में कभी ना कभी हिंसा का सामना जरूर किया होता है। अभी हाल ही में आए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का आंकड़ा बताता है कि हमारे राज्य की 30% औरतें ये मानती हैं कि कुछ परिस्थितियों में मर्दों का अपनी बीवियों को पीटना जायज है, सही है। ऐसा क्यों है आखिर? क्यों हमारे समाज में घरेलू हिंसा को एक अपराध मानने की जगह सामान्य माना जाता है, इसका नॉर्मलाइजेशन हो चुका है? चलिए फेमिनिज्म इन इंडिया हिंदी के आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर घरेलू हिंसा को नॉर्मल क्यों मानता है हमारा समाज। ब्राह्मणवादी पितृसत्ता मर्दों को हिंसा करने का लाइसेंस देती है। पति की इजाजत के बिना घर से बाहर जाना, सही से खाना ना बनाना, सेक्स के लिए मना करना, परिवार के मर्दों की इज्जत ना करना, सास ससुर की देखभाल ना करना, बच्चों को नज़रअंदाज करना, अपनी मर्जी से पैसे खर्च करना, ये बहुत सामान्य सी घटनाएं आपको लग रही होंगी ना। लेकिन ये कुछ वजह हैं, सिर्फ चंद वजह हैं, जिनकी वजह से हमारे देश में मर्द अपनी पत्नियों को पीटना जायज़ मानते हैं। ये बातें ऑक्सफैम के पिछले साल के एक सर्वे में सामने आई थी। ब्राह्मणवादी पितृसत्ता ने मर्दों को शुरू से ही पावर स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर रखा है। यही पावर स्ट्रक्चर, यही पितृसत्ता मर्दों को यह लाइसेंस देती है और उनकी हर हिंसा को जायज ठहराती है। ऐसा नहीं है कि यह समाज कहता है कि महिलाओं के साथ हिंसा करना सही है, बल्कि मर्द महिलाओं के साथ, खासकर अपनी बीवियों के साथ घरेलू हिंसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह हिंसा करना उनका अधिकार है, वे इसके लिए इंटाइटल्ड हैं। दिक्कत हमारे पारिवारिक ढांचे में है। हमारे हेटरोसेक्सुअल पितृसत्तात्मक पारिवारिक ढांचे में हिंसा एक जरिया माना जाता है औरतों को कंट्रोल करने का, उन्हें काबू में रखने का। जिस मनुस्मृति से हमारी ब्राह्मणवादी पितृसत्ता संचालित होती है, उसमें भी ये कहा गया है कि औरतों को दिन हो या रात हमेशा पुरुषों और अपने परिवार के अधीन रहना चाहिए, यानी उनके अंडर रहना चाहिए। अक्सर जब ससुराल पक्ष द्वारा महिलाओं के साथ हिंसा होती है तो उन्हें अपने परिवार वाले यानी उनके मायके वाले भी यही कहते हैं, एडजस्ट कर लो, रिश्ता बचाना ज़रूरी है। और इस तरह घरेलू हिंसा को जस्टिफाई करने के लिए, उसे सही ठहराने के लिए एक लंबी लिस्ट औरतों के सामने पेश कर दी जाती है। घरेलू हिंसा एक पारिवारिक मसला है। बात 1970-80 के दशक की है। दिल्ली में तब दहेज उत्पीड़न और हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अपने चरम पे थे। उस दौरान एक केस आया था, नाम था कंचन चोपड़ा। कंचन चोपड़ा के भाई अपनी बहन के साथ हो रहे दहेज उत्पीड़न के लिए पुलिस स्टेशन गए केस रजिस्टर करवाने। पुलिस ने तब यह कहते हुए मना कर दिया केस दर्ज करने से कि ये पारिवारिक मसला है। अगले दिन कंचन चोपड़ा मृत पाई गई। कंचन चोपड़ा जैसे हजारों लाखों केस आज भी इस देश में मौजूद हैं, जिन्हें दर्ज इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि हमारा समाज, हमारा कानून, हमारी पुलिस आज भी घरेलू हिंसा को पारिवारिक मामला मानती है। जो महिलाएं घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं या पुलिस स्टेशन तक जाती हैं, उन्हें यही सलाह दी जाती है, समझौता कर लो, एडजस्ट कर लो। आखिर ऐसा क्यों है? जब हमारा कानून घरेलू हिंसा को एक अपराध मानता है तो इसे इम्प्लीमेंट करने वाले पारिवारिक मसला कहकर क्यों खारिज कर रहे हैं? दरअसल बात यह है, दिक्कत यहाँ है कि जो लोग इस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए बने हैं, वह भी तो इसी ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक समाज का हिस्सा है। उनकी कंडीशनिंग भी तो ऐसे ही की गई है, जहां घरेलू हिंसा के मामले में उनका पहला रिएक्शन होता है, यह एक पारिवारिक मसला है।
घरेलू हिंसा के अलग अलग रूपों को पहचानना ज़रूरी है। घरेलू हिंसा को लेकर हमारे समाज में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लमैटिक सोच यह है कि हम ये मानते हैं कि घरेलू हिंसा का मतलब औरतों को शारीरिक रूप से चोट पहुंचाना है, और इस सोच के तहत हम औरतों के साथ होने वाली दूसरी हिंसा को पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे कि मानसिक हिंसा, आर्थिक हिंसा, भावनात्मक हिंसा, यौन हिंसा, इंटीमेट पार्टनर वॉयलेंस। यह भी हिंसा का एक प्रमुख रूप है, जहां एक पार्टनर द्वारा दूसरे पार्टनर पर शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से हिंसा की जाती है। यह हिंसा के कुछ अलग अलग रूप हैं जिन्हें पहचानना ज़रूरी है, और इस गलत फहमी को भी दूर करना ज़रूरी है कि घरेलू हिंसा का मतलब सिर्फ और सिर्फ शारीरिक हिंसा होती है। ब्राह्मणवादी पितृसत्ता ने भले ही महिला हिंसा, घरेलू हिंसा को नॉर्मलाइज कर दिया है, लेकिन नारीवादी आंदोलनों और संगठनों ने हमेशा ही महिला हिंसा, घरेलू हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई है, विरोध जताया है। तभी तो हमारे कानून ने महिला हिंसा की पहचान की, समय समय पर कानून में बदलाव किए गए। ज़रूरत है हर छोटी से छोटी हिंसा को पहचानने की और उसके खिलाफ संघर्ष करने की, घरेलू हिंसा के सर्वाइवर्स तक उचित मदद पहुंचाने की, जो कानून हमारे पास पहले से मौजूद हैं उन्हें सुचारू ढंग से लागू करने की। ज़रूरत है हर दिन संघर्ष करने की, इसलिए क्योंकि यह ब्राह्मणवादी स्ट्रक्चर एक दिन में ढहने वाला नहीं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही नारीवादी वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल से।